हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसल फैमिली। कैसे हैं आप सभी? और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, पिंक कलर के कर्टेंस लगाने के बाद मेरे चेहरे पे जो है वो पिंक पिंक कलर की शेड आ रही है। ऐसा लग रहा है मेरा चेहरा एकदम गुलाबी गुलाबी सा हुआ हुआ है, बट ऐसा नहीं है, रोशनी की वजह से रिफ्लेक्शन आ रही है। और गुल्लू मैडम भी नहा चुकी है। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। फैन कहाँ है बता दो, नोज कहाँ है बता दो, नोज कहाँ है, नोज 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 भूल जाते हो आप फिर से। हाई फाई करो, हाई फाई, हाई फाई। और कल से जो है मेरा वेदर चेंज होने की वजह से गला बहुत ज्यादा खराब है। दवाई भी ले ली है पर अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ है। कई बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है, नहाने के बाद बड़ा अच्छा सा रिलैक्स फील हो रहा है लेकिन स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई हो रही है। तो चलिए, क्या यूज़ करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। आप जाइए पहले वो देखिए, फिर उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, मैं यूज़ करती हूँ वाओ स्किन साइंस का एलोवेरा जेल। इसमें है नेचुरल हीलिंग एंड रेजुनेटिंग बेनिफिट्स। इसको मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये 99% प्योर एलोवेरा से बना हुआ है और इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अपने स्किन पे, हेयर एंड स्कैल्प पर भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसमें है एलोवेरा जूस जो कि हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, ड्राइनेस एंड इन्फ्लेमेशंस को कम करने में हेल्प करता है, जर्म्स एंड माइक्रोब्स को भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। जेंथम गम है जो कि स्किन में मॉइस्चर को बूस्ट करता है। सिट्रिक एसिड है जो कि पिगमेंटेशन को लाइट करने में हेल्प करता है। और इसके मल्टीपल यूसेज हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो इंस्टेंट मॉइस्चराइजेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। सो थोड़ा सा जेल लेना है आपको और अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करना है। इससे फेस मॉइस्चराइज्ड एंड हाइड्रेटेड रहेगा। सो गाइस, आप इसको एज अ स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 टेबल स्पून जो है वो शुगर लेनी है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो एलोवेरा जेल मिलाना है। आप इस स्क्रब को अच्छे से फेस एंड बॉडी पर अप्लाई कर सकते हो एंड वाटर से वॉश कर लो। ये एक नेचुरल स्क्रब का भी काम करता है। सो थर्ड सबसे अच्छा यूज़ जो मुझे इसका लगता है, ये हेयर एंड स्कैल्प नरिशर का काम करता है। आपको थोड़ा सा जेल लेके अपने स्कैल्प में मसाज करनी है एंड ओवरनाइट के लिए रहने दो एंड मॉर्निंग में शैम्पू कर लो। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हेयर एंड स्कैल्प में। सो गाइज, इसके और भी बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे ये सनबर्न सूदर है, आप अफेक्टेड एरिया पे इंस्टेंटली लगाओ, ये इंस्टेंटली सूद कर देता है। और साथ के साथ इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी है। आप इसको फेस, नेक और हैंड पे लगा सकते हैं और आप इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए फॉर गुड रिजल्ट। और साथ के साथ गाइज, मैं आपको ये बता दूँ कि इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलर, कोई भी मिनरल ऑयल, किसी भी चीज़ का, पैराबिन वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आपको मेरा नीचे कूपन कोड दिख रहा होगा, सोनिका 20 फॉर डिस्काउंट। लिंक जो है मैंने सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप जाइए वहाँ पर ज़रूर चेक करिए। सो गाइज, मुझे इस ऑर्डर के साथ मिला है ये एक सीड पाउच। वाओ ने #वाओग्रीनहैंड्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। वाओ की वेबसाइट से जब आप ऑर्डर करते हैं तो हर ऑर्डर पे आपको ये एक सीड पाउच मिलता है। आप इसको प्लांट करके एक प्राउड प्लांट पेरेंट भी बन सकते हैं। तो आप वाओ के साथ, वाओ के इनिशिएटिव में अपना हाथ दीजिए और इस इनिशिएटिव को और बढ़ाइए। बी वाओ नेचुरली। ब्रेकफास्ट में है पपीता और स्ट्रॉबेरी जो मैंने कट कर दिया। 2 दिन पहले मैंने पपीता लिया था तो वो मैंने कट करके रख दिया और स्ट्रॉबेरी कट करके रख दिया, मतलब ऐसे ही वॉश करके रख दिया। तो अब इसको खाएंगे। एक बार बंसल जी का फ़ोन आ जाए कि मावस की थाली चली गई है, तो उसके बाद हम अपना करते हैं ब्रेकफास्ट। और मोटर चला दिया इधर क्योंकि पानी नहीं आज फिर टंकी में। पर गुल्लू मैडम हमारा इधर जो है दूध पी रहा है। मैंने सारा सामान फैला दिया है और अब गुल्लू सीधा पहुँचे। बाहर आ जाओ, आओ, चलो 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 डांस करके दिखाओ मम्मा को। बाहर डांस करो। ओए ओए बल्ले बल्ले, ओए ओए बल्ले बल्ले,
ओए ओए बल्ले बल्ले 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 ओए ओए बैठ बैठ के डांस ओए ओए बल्ले बल्ले ओए बल्ले बल्ले ढिंग लक लक ढिंग ढिंग लक लक ढिंग ढिंग लक लक ढिंग ढिंग लक लक बस ओए बल्ले बल्ले ओए बल्ले बल्ले ऐसे कौन डांस करता है? ऐसे 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 बैठ बैठ के कौन करता है? आई लव यू बिजरवाले और घुंघराले बाय। तो आज बहुत ही दिनों बाद आए हैं हमारे बड़े भाई साहब। वैसे तो छोटे हैं, मेरे से 1 साल छोटा है ना। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये कौन है डाडी वाले भैया। तो आपको ये बता दें, ये है मेरे ताऊ जी का बेटा। एक्चुअली मेरे ताऊ जी ताई जी नहीं है, तो इसीलिए ये उनका है बेटा। तो ये हमारे पास आता जाता रहता है, तो इसीलिए अगर इसके लिए कोई लड़की हो तो वो भी बता दो, भाई की शादी करनी है अब हमें। और ये कल नीलकंठ होके आया है। और भाई क्या लेके आया गुल्लू के लिए? आजकल जो भी चीज़ें आती है वो सिर्फ और सिर्फ गुल्लू के लिए आती है। आ जाएगी, इसको पतली है ना, तो ये है गुल्लू के लिए। आइए। अच्छा ये तू वहीं से लाया है? नहीं, अच्छी लग रही है। क्या लिखा हुआ ये? वो जो 7 इंद्रियां टाइप वही है, 3-4। हाँ, ओम हाम क्रीम क्रीम, वही विषय कुछ होता है ना। देख वो प्रिया लेके आई थी, प्रिया जयपुर गई तो जयपुर से प्रिया लेके आई थी गुल्लू के लिए। अब तो नीलकंठ गया, ये लेके आया। तो जो भी चीजें आती है सिर्फ और सिर्फ गुल्लू की आती है। अरे वो मिलती नहीं चीजें, समझ नहीं आई फिर। घर में बच्चे क्या झूठा करते थे ना, तो इसलिए कहते हैं वो चीज नहीं मिलती। यस गाइस, अचानक से आज आप मुझे देख रहे हो, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं बताया था, मुझे खुद नहीं पता था। सो आज है प्रिया का बर्थडे, यानी 2nd of March है आज। और हम जा रहे हैं, अभीश ने बर्थडे पे इनवाइट किया है, तो मैं जा रही हूँ। गुल्लू और बंसल जी नीचे जा चुके हैं, और ये मेरा सूट मैंने आपको दिखाया था। तो चलिए चलते हैं आप फटाफट से। सिंपल सा कुछ मेकअप नहीं किया मैंने, सिर्फ बाल किए और लिपस्टिक लगाई है। काजल लगाया था, काजल मुझे दिख नहीं रहा है मेरा। तो फटाफट से चलते हैं, और ये पहनिए, और ये गुल्लू के शूज़। चलिए तो हम जा रहे हैं सारे प्रिया के बर्थडे पे, और प्रिया को फ़ोन करके ये बोला है बंसल जी ने कि बंसल जी और मतलब मैं और सोनू नहीं आ रहे हैं। तो और प्रिया के मेरे पास धड़ाधड़ फ़ोन आ रहे हैं, मैंने उसको ब्लॉक मार दिया है। और बंसल जी ने फ़ोन करके कह दिया, मैसेज कर दिया अभीश को भी कि भाई ऐसे ऐसे हम नहीं आ रहे हैं, खाली मम्मी और नकुल और आशु, ये तीनों जा रहे हैं। हम तीनों आ रहे हैं बस। तो बस अब यही तीनों अब जा रहे हैं। सरप्राइज होने वाला है, बड़ा खतरनाक वाला सरप्राइज। और भाई तो आपको पता ही हो कैसी है, तो आपको वीडियो में ही दिखाऊंगी। भाई 15 मिनट हो गए इसका इंतजार करते करते, ये इतना लेट हुआ है ना। और पता है प्रिया को नहीं पता कि तेरी जीजू और मैं आ रहे हैं, मैंने उसको मना कर दिया। भैया बिस्कुट दे दे, मेरा ये मैं से पूछ ली कहां पे है, मैं घर पे हूं। चॉकलेट खाएगा मेरा बाप, मैं तो घर पे ही हूं। नहीं आ रहे लिख देता। अरे भाई नहीं यार, उसको उसको पता है फिर हम आ रहे हैं। तू ये मत लिखो बार बार, ये मत लिख, कुछ मत लिख तू, तू कुछ मत लिख, मुझे पता है ना उसका। सोनिका बहन अभी अभी ना प्रिया बहन का कॉल आया मुझे। अच्छा क्या कह रही है? ठीक है, वो वही कह रही है कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा। अच्छा ये निकला नहीं निकला? मैंने कहा मैं तो राम मंदिर तक पहुंच गया हूँ, ठीक है, और सनी चल रहा है और मम्मी चल रही है बस मेरे साथ। कहती और वो, मैंने कहा वो कौन? कहती वो, मैंने कहा जीजू। हाँ तो मैंने कहा वो तो नहीं आ रहे, उन्होंने तो मना कर दिया। फिर एकदम से कट कर दिया, गुस्से में। जिसका बर्थडे वो वेट कर रही है। नहीं तो 9 बजे तक ही होते भाई, अभी तो 9 भी नहीं बजे।
था तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि 10-11 बजे हम लोग जा रहे हैं, ये तो कोई है ही नहीं। सो गाइस वी आर वेटिंग हियर, कोई पता चले अभी पीछे ही हो। और हमने प्रिया को यही बोला है, ये लोग पहुंच गए हैं, ऊपर चले गए और अभी हम बाहर खड़े हैं कि मिस कॉल मार देना। तो लेट्स सी, ये सही आए भी हैं, किसी और कोई और गोवर्धन तो नहीं था, तो हम आए हैं शक्तिनगर गोवर्धन पे। तो ये लोग चले गए ऊपर। गुल्लू नहीं 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 नहीं, ये गुल्लू को जूते अपने उतारने की रहती है। हैप्पी बर्थडे, मैं सच में कहाँ आई हूँ। हम आ कब रहे थे, हम आ कब रहे थे तो बाल ठीक कर लिए जाएं, बाल ठीक कर लिए जाएं। भाई ने बोलो व्हाट इज दिस, मम्मी को लाओ ले लो बस, हम बस ये सारी रिस्ट्रिक्ट से कब मैं होने वाली हूं। मैंने जब जब आप आओगे ना तू प्रिया मैन हैप्पी बर्थडे बस लिखने वाला कौन है सोनिका बहन, ये शादी वो पता है मैजिक वाली है, है? अरे एक से चला लो ना सारी। सोनिका बहन सीखो, मैं सोच रही थी पहले वो खत्म हो जाए। शालिनी क्रीम लगी होगी, वो उल्टी उल्टी लगा दी थी हमेशा, नहीं वो नहीं जल्दी होगी। कल रात को भी यही हुआ था एक के साथ, वो भी सारी। गुल्लू कीप क्वाइट, जल्दी करो जल्दी करो, चलो 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 चलो। दोबारा जरिए ये कट भी करना था बहन, करो करो कट करो। Bless you, bless you, happy birthday to you, happy birthday। केक मास्क जैसा भी कुछ होता है ये, थोड़ा सा इसमें हाँ मैं कुछ प्लेट में निकाल दूँ, हाँ प्लेट में रुको मैं निकाल दूँ। ठीक है भाई, केक मास्क जैसा भी कुछ होता है, जैसे फेस मास्क होता है वैसे केक मास्क। नहीं तो कुछ नहीं करना ना, घर वापस लेके जा रहे हैं। हमें खिला रही हूँ जरा, वो फ्री हो जाए ना। ये लो भाई क्लोज अप में पूरा मेंशन कर रही है भाई, प्रिया को भी खिला दो। बच्चे मेरे से नहीं समझ सकते, बच्चे मेरे से नहीं समझ सकते, कुछ नहीं समझ सकता। तुम ज्यादा बोल रहे हो, आपस में बात कर रहे हैं, हमारी इम्पोर्टेंट क्या है, क्या इम्पोर्टेंट बात हो रही है आपकी, गलत बात है। हाँ खाओ खाओ
ओहो प्रिय बहन थोड़ा सा लगा दूं केक पहले से रखा हुआ था मैं वो बताऊं कि प्लेट में मुंह लगा दे ये प्रिय बहन ने लेना चम्मच हाँ हाँ हो गया अच्छा भैया लेना बहुत नुकसान होता है साले से लेना बहुत नुकसान होता है मेरा पति मेरा परमेश्वर है पहले पति की सुनी जाएगी कौन रहता है केक के लिए खाना नहीं सुहाता केक सुहाता है ओहो यही आदि मेरी है मामू की कहाँ है मुनीशा मुनीशा मामू की कहाँ पर है आपका बर्थडे शादी के बाद मेरा अलग है बनी थी ओके वंस मोर गुल्लू की वंस मोर गुल्लू की गुलू कट कच्चा बादाम गुलू कच्चा बादाम कच्चा बादाम नहीं गंदा होता है कुछ हो गया कच्चा बादाम जिसने लाया था सोनी का बहन वहाँ पर बच्चे ना वीडियो बना रहे थे ठीक है कच्चा बादाम डांस पे तो हमने ऐसी बोल दिया कच्चा बादाम वो छोटा सा बच्चा चुपचाप बैठ गया भाई मैं नहीं बना रहा तुम्हारी वीडियो ए, मैं क्यों बनाऊं लोग मेरे को कच्चा बादाम बोल रहे हैं उन्होंने लोगों की वीडियो बन कर दी है बेचारे बच्चे वीडियो बना रहे थे हमारा क्या जा रहा था बेचारा अपनी बहनों को देते हुए कहता नहीं मैं नहीं बना रहा जाओ बता कितने व्यूज मिल जाते उसको है ना सोनी का बहन तुम्हारी बिटिया दूसरों की टेबल पे चली गई फिर से हैं आपकी बिटिया फिर से दूसरी टेबल पे चली गई हाँ तो अच्छी बात है खाना खा के आ जाएगी क्या करवा रहे पैक करवा एक प्लेट के पैसे तो बचेंगे हैं एक प्लेट के पैसे तो बचेंगे अरे पैक भी करवा लेगी नहीं नहीं पापा को बुला रहे हैं क्या पापा तुम पापा तुम भी आ जाओ सेटिंग करके आती है तो अब आया है सूप सो गाइज प्रिया का आज है बर्थडे और आप इसको विश कर सकते हो थैंक यू क्या पहले एडवांस में क्योंकि और मैं ब्लॉग में अब पता नहीं कब आऊंगी और कहाँ कहाँ घूम के आए हो आप ये बता दो सारे मैं नैनीताल रामनगर हाँ और सुनो हम रामनगर गए थे घर चलना नहीं चला यस 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 हाँ घर चलना नहीं चला नहीं चला नहीं चलना मैंने बस सो गाइस हमारा खाना पीना सारी चीजें हो चुके और अब हम वापसी के दौर पर हैं या और है और ये गुल्लू मैरम आज इसने बहुत ज्यादा परेशान किया है भाई कैसा लगा खाना पीना सब मस्त था नकुल मम्मी आपको सब मस्त था सो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग की यहीं पर एंडिंग करते हैं तो आपको क्या करना है
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और किसको करना है? बंसल फैमिली। अब तो करी दो वैसे। अब तो करी दो भाई, बहुत टाइम हो गया। बड़ी मुश्किल से 16 पर पहुंची हूँ, 16 से 1,16,000 पे भी पहुंचने हैं।